ये दो विशेष राजकोषीय कानूनों विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम उन्नीस फेमा और धन की रोकथाम अधिनियम 2002 हजार के प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है सीधी भर्ती द्वारा कर्मियों की नियुक्ति के अलावा निदेशालय प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न जांच एजेंसियों सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयकर पुलिस आदि विभागों से भी अधिकारियों को नियुक्त करता है संगठनात्मक इतिहास इस निदेशालय की उत्पत्ति 1 मई 1956 को हुई जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम उन्नीस फेरा सैतालीस के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया इस इकाई का नेतृत्व एक कानूनी सेवा अधिकारी द्वारा किया गया था प्रवर्तन निदेशालय अधिकारी के रूप में आरबीआई से प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के अलावा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के शून्य तीन निरीक्षक दिल्ली मुख्यालय शामिल किए गए वस्तुतः वर्तमान में इसमें भारतीय राजस्व सेवा भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं प्रारंभ में बम्बई और कलकत्ता में शून्य दो शाखाएं खोली गई वर्ष उन्नीस में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया और मद्रास में एक और शाखा खोली गई निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण को वर्ष 1960 में आर्थिक मामलों के विभाग से राजस्व विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया समय बीतने के साथ फेरा 1947 कानून को फेरा 1973 कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया शून्य चार साल की अवधि उन्नीस सौ के लिए निदेशालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रहा पुनः आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ फेरा 1973, जो एक नियामक कानून था निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जून 2000 से एक नया कानून विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 सौ फीमा लागू किया गया इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अरेंजमेंट के साथ तालमेल बनाते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ए सी टी दो हजार दो पी एम एल ए को अधिनियमित एक जुलाई दो हजार पाँच ऐसी प्रभावी कर प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया संगठनात्मक इतिहास इस निदेशालय की उत्पत्ति एक मई उन्नीस सौ छप्पन को हुई जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम था प्रवर्तन निदेशालय अधिकारी के रूप में आर शामिल किए गए वस्तुतः वर्तमान में इसमें भारतीय राजस्व सेवा विभाग से राजस्व विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया समय बीतने के साथ उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ फेरा 1973, जो एक नियामक कानून था निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जून 2000 से एक नया कानून विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम पी को अधिनियमित 1 जुलाई 2005 से प्रभावी कर प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया अधिकार एवं शक्तियाँ एक बहुआयामी संगठन की भूमिका में निदेशालय दो कानूनों को लागू करता है जो निम्नलिखित हैं: एक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ए सी फीमा यह एक नागरिक कानून है जो निदेशालय को अर्ध न्यायिक शक्तियां देता है यह निदेशालय को विनिमय नियंत्रण कानून के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने के साथ दोषी पर जुर्माना लगाने की भी शक्ति देता है दो धन शोधन निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यह एक आपराधिक कानून है जो निदेशालय के अधिकारियों को अनंतिम रूप से जांच पड़ताल करने पूछताछ करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देता है प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है ये दो विशेष राजकोषीय कानूनों विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम उन्नीस फेमा और धन की रोकथाम अधिनियम 2002 हजार के प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है सीधी भर्ती द्वारा कर्मियों की नियुक्ति के अलावा निदेशालय प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न जांच एजेंसियों सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयकर पुलिस आदि विभागों से भी अधिकारियों को नियुक्त करता है संगठनात्मक इतिहास इस निदेशालय की उत्पत्ति 1 मई उन्नीस को हुई जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम उन्नीस फेरा सैतालीस के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया इस इकाई का नेतृत्व एक कानूनी सेवा अधिकारी द्वारा किया गया था प्रवर्तन निदेशालय अधिकारी के रूप में आर से प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के अलावा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के शून्य तीन निरीक्षक दिल्ली मुख्यालय शामिल किए गए वस्तुतः वर्तमान में इसमें भारतीय राजस्व सेवा भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। प्रारंभ में बम्बई और कलकत्ता में शून्य दो शाखाए खोली गई वर्ष उन्नीस में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया और मद्रास में एक और शाखा खोली गई। निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण को वर्ष 1960 में आर्थिक मामलों के विभाग से राजस्व विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया समय बीतने के साथ फेरा 1947 कानून को फेरा 1973 कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया शून्य चार साल की अवधि उन्नीस सौ तिहत्तर उन्नीस सौ सतहत्तर के लिए निदेशालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रहा पुनः आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ फेरा 1973, जो एक नियामक कानून था निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जून 2000 से एक नया कानून विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 सौ फीमा लागू किया गया इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अरेंजमेंट के साथ तालमेल बनाते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ए सी टी दो हजार दो पी एम एल ए को अधिनियमित एक जुलाई दो हजार पाँच से प्रभावी कर प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया अधिकार एवं शक्तियाँ एक बहुआयामी संगठन की भूमिका में निदेशालय दो कानूनों को लागू करता है जो निम्नलिखित हैं। एक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ए सी यह एक नागरिक कानून है जो निदेशालय को अर्ध न्यायिक शक्तियाँ देता है यह निदेशालय को विनिमय नियंत्रण कानून के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने के साथ दोषी पर जुर्माना लगाने की भी शक्ति देता है दो धन शोधन निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यह एक आपराधिक कानून है जो निदेशालय के अधिकारियों को अनंतिम रूप से जांच पड़ताल करने पूछताछ करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देता है ये कानून अधिकारियों को कालाधन के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने के अलावा आपराधिक कृत्यो से प्राप्त संपत्ति को संलग्न जबत करने का अधिकार भी देता है संगठनात्मक ढांचा प्रवर्तन निदेशक नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख होते हैं प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशकों के नेतृत्व में मुंबई चेन्नई चंडीगढ़ कोलकाता और दिल्ली में पांच क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस हैं। निदेशालय के आंचलिक कार्यालय जोनल ऑफिस अहमदाबाद बेंगलुरु चंडीगढ़ चेन्नई कोची दिल्ली पणजी इनकी अध्यक्षता एक संयुक्त निदेशक करता है निदेशालय के भुवनेश्वर कोझिकोड इंदौर मदुरै नागपुर इलाहाबाद रायपुर देहरादून रांची सूरत शिमला विशाखापत्तनम और जम्मू में उप जोनल कार्यालय हैं, जिनकी अध्यक्षता एक उप निदेशक करते हैं निदेशालय के कार्य निदेशालय के मुख्य कार्य इस प्रकार है ये कानून अधिकारियों को कालाधन के कारोबार में नेतृत्व में मुंबई चेन्नई चंडीगढ़ कोलकाता और दिल्ली में पांच क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 सौ फेमा के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करना जो 1.6 2000 से प्रभाव में आया निदेशालय नामित अधिकारियों द्वारा फेमा के उल्लंघन के दोषियों की जांच की जाती है और इसमें शामिल राशि का तीन गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम 2002 पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जो एक दशमलव सात दो प्रभावी हुआ धन शोधन के अपराधों की जांच करना संपत्ति की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई करना और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाना 28 कानूनों के तहत एक अपराध हैं, जो पी के तहत अनुसूचित अपराध हैं। निरस्त विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम उन्नीस फेरा का इकतीस दशमलव तक के उल्लंघन होने पर जारी किए गए शो कॉज नोटिस कारण बताओ नोटिस का न्याय निर्णय करना जिसके परिणाम स्वरूप जुर्माना लगाया जा सकता है भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत भारत से भागे लोगों के मामले देखना इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों को दंडित करना है जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने के उपाय खोजते हैं फीमा के उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा और संरक्षण गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम उन्नीस सौ के तहत निवारक निरोध के प्रायोजक मामले देखना पी के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन और परिसंपत्तियों की बहाली से संबंधित मामलों में अन्य देशों को सहयोग प्रदान करना और ऐसे मामलों में सहयोग लेना